हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर जो नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है ये फ्रेंड्स आपके यहां पर आई क्लर्क इलेवन पोस्ट के लिए रहेगा और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जैसा आप जानते होंगे आई बी क्लर्क ने जो इसकी नोटिफिकेशन है ये पहले ही जारी कर दी गई थी जुलाई में आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे और ये सिर्फ दो दिन ही चले थे और दो दिन के बाद यहाँ पर इसकी जो वैकेंसी है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था अब यहाँ पर फ्रेंड्स आज न्यूज़पेपर में इसकी अपडेट आ गई है जिसमें फ्रेंड्स आप इसे ऑनलाइन अब आवेदन कर सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा बात करते हैं इसके शॉर्ट नोटिस के बारे में तो फ्रेंड्स ये इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि न्यूज़पेपर में आया है आई का कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक सीआरपी क्लर्क इलेवन फोर वैकेंसीज ऑफ 2022 एंड 23 और यहां पर फ्रेंड्स जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है दिसंबर दो और जनवरी दो आपका रखा गया है सबसे पहले फैंस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या एडिट है या मॉडिफिकेशन है वो आपके सात अक्टूबर दो से ओपन हो जाएंगे सत्ताईस

लास्ट या दिसंबर में स्टार्ट में आपके जारी कर दिए जाएंगे और दिसंबर मिड में आपके प्री एग्ज़ाम हो सकते हैं और जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर 2021 लास्ट में या फिर जनवरी 2022 के स्टार्टिंग में आपका जारी हो जाएगा इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे या पास होंगे कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको फिर कॉल लेटर जारी होगा मेन एग्जाम के लिए जो कि दिसंबर दो लास्ट में या जनवरी दो के स्टार्टिंग में होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम जो है मेन एग्जाम वो आपकी जनवरी या फरवरी 2022 में कंडक्ट किया जाएगा और जो फाइनल प्रोविजन अलॉटमेंट है आपका सिलेक्शन जो है वो आपका अप्रैल दो तक कंप्लीट कर लिया जाएगा तो यहां पर फ्रेंड्स से देखिए आपसे कहा गया है कैंडिडेट जो है रेगुलर विजिट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को साथ में यहां पर क्लियर कहा गया है कैंडिडेट जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया है सक्सेसफुली 12 से 14 जुलाई 2021 क्योंकि जो पहले ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 12 से 14 जुलाई 2021 सिर्फ दो दिन आपके फॉर्म चले थे उसके बाद ये फॉर्म का जो लिंक है वो बंद कर दिया गया था उनको फ्रेश दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है उनका जो पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ही यहां पर कंसिडर किया जाएगा अब यहां पर, जो हैं वो आपको वीडियो में पर मिल जाती हैं और जो ये न्यूज पेपर है, उसमें -2021 में आपके ये न्यूज आई है आप न्यूज पेपर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि स्टार्ट होने वाले हैं तो शाम को या फिर कल आपका जो यहां पर नोटिफिकेशन है और अप्लाई का लिंक है वो दोनों एक्टिवेट कर दिए जाएंगे तो यहां पर प्रोसेस है प्रोवाइड कर दी है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट टू वन का जो यहाँ पर फॉर्म है वो आपका रीओपन हो गया है अब यहां पर देखिए जो आपके एज लिमिट है हो सकता है इसमें जो कट ऑफ डेट है वो आपका चेंजेस हो या हो सकता है सेम रखी जाए तो यह फ्रेंड्स देखने वाली बात होगी बीस से अट्ठाईस एज क्राइटेरिया रहता है अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए साढ़े आठ सौ रुपए रहती है एससी एस टी पी कैंडिडेट के लिए एक सौ पिछहत्तर रुपए फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाते हैं एलबीटी कंडीशंस की बात करें तो डिग्री होल्डर किसी भी आपने डिसिप्लिन में ग्रेड पास आउट किया हुआ है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अब यहां पर देखिए जब आप रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन उस समय फ्रेंड्स आप यहां पर जो आपके पास मार्कशीट है डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए मतलब जिस दिन भी आप अप्लाई करें उस दिन आपका ये कंप्लीट होना चाहिए साथ में कंप्यूटर की लिटरेसी कंप्यूटर के नॉलेज आपको होनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना वर्क करना वो आपका होना जरूरी है अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है या डिग्री है कंप्यूटर ऑपरेशन में लैंग्वेज में या फिर आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इसमें फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए तीन सेक्शन होते हैं पहला है इंग्लिश लैंग्वेज दूसरा है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी अब यहाँ पर फ्रेंड्स हर एक सेक्शन के आपको अलग अलग यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन दिया गया है बीस मिनट बीस मिनट बीस मिनट अब ये पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर कोई भी आपका ओपन हो सकता है एग्जाम में वो आपको ऑनलाइन जो आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होता है उसमें आपको एग्जाम देना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के फ्रेंड्स तीस क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के पैंतीस क्वेश्चन होंगे 35, 35 मार्क्स के और रीजनिंग के पैंतीस क्वेश्चन होंगे 35, 35 मार्क्स के ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स ड्यूरेशन की तो 60 मिनट का है सौ क्वेश्चन होंगे सौ नंबर का आपका प्री एग्जाम होगा तो यहाँ पर फ्रेंड जब प्री एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए अब यहाँ पर पर फ्रेंड्स जो मेन एग्जामिनेशन है ये आपके देखिए चार सेक्शन आपको दिए गए हैं सबसे पहले है जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस अब यहां पर आपके पचास क्वेश्चन है पचास मार्क्स के और इसके लिए आपको पैंतीस मिनट का समय यहां पर मिलेगा इसके बाद सेकेंड टॉपिक है जनरल इंग्लिश का जिसमें चालीस क्वेश्चन होंगे चालीस

अवेयरनेस जीके के लिए आपको पैंतीस मिनट मिलता है ओवरऑल देखा जाए तो 190 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है 160 मिनट का ड्यूरेशन आपका होता है मेन एग्जाम का तो यहां पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर तो यहां पर फ्रेंड्स जब आपका प्री और मेन एग्जाम जो होता है इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एक क्वेश्चन एक नंबर का है आपका जो नॉर्मली है जब यहां पर देखिए कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं बाकी यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो वन फोर्थ की मतलब जीरो पॉइंट मार्क्स की आपकी यहां पर रहेगी तो ये मेन और प्री दोनों ही एग्जाम के लिए रहेगा प्री एग्जाम में भी आपके वन फोर्थ नंबर कटेंगे और मेन एग्जाम में भी आपके वन फोर्थ नंबर कटेंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं इसके अलावा आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हैंड रिटन रिगुलेशन भी आपको अपने पास रखना होगा जैसे यहां पर आपको टेस्ट दिया गया है आई इसके बाद आपको यहां पर लिखना है आपका नाम और उसके बाद हेयर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इफॉर्मेशन सबमिटेड बाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड तो ये भी फ्रेंड्स आपको अपलोड करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म में और वाइट पेपर पर आपको लिखना होता है फॉर्मेट यही है अब एस ने कुछ चेंजेस किए हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है अगर वो नया फॉर्मेट देते हैं नई नोटिफिकेशन में तो हम वो अपडेट कर देंगे तब तक, तक आप इसे लिख कर अपने पास रख सकते हैं स्कैन करके और जो ये फॉर्म थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुआ था जुलाई में उसका वीडियो हमने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है आप इसे देख सकते हैं प्रोसेस सेम रहती है और फिर जो रीओपन होगा फॉर्म उसका भी वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने अपडेट करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आपको देखिए जो अप्लाई का लिंक है रीओपन नोटिस आप यहां से चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है जल्दी ही वो अवेलेबल हो जाएगी और इसके बाद वेबसाइट वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है IBPS क्लर्क रिकॉमेंट टू थाउजेंड रिलेटेड इसका क्या 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 है, 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 कौन कौन कर सकता है, क्या है, न्यू नोटिस के ये सब जानकारी मैंने आपको आपको कर दी है। अगर आपको हमारी पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब फॉर वॉचिंग